टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। तिहाड़ जेल से बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर धमकाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध खनन के एक मामले में बतौर गवाह पूछताछ के लिए सीबीआई ने समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में सभी कांग्रेस विधायकों की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक है। शेख शाहजहां को मिनाका के एक अज्ञात स्थान से गिरफ्तार किया गया। आज सुबह करीब 3 बजे शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि भाजपा के लगातार आंदोलन के चलते यह सरकार शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए बाध्य हुई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यह अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन पलट गया है। इसमें 14 की मौत हो गई है जबकि 20 घायल हुए हैं। घायलों का शाहपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर करीब 125 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के पीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगालेका द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ टीम ने इन्हें सिद्धार्थनगर जिले के नेपाल बॉर्डर के बढ़नी ठेपरुआ से गिरफ्तार किया है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन पार्ट 2 का हिस्सा बन रहे हैं। किसानों के लिए यह बुरी खबर है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उपद्रव मचाने वाले किसानों की तस्वीरों की पहचान पर उनका पासपोर्ट और वीजा रद्द किया जाएगा। रिलायंस के डिज्नी के साथ मर्जर के बाद अब एक और डील मुकेश अंबानी के हाथ लगी है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की सब्सिडियरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंट हाउस के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। शेयर बाजार की सुस्त शुरुआती देखी गई है और सेंसेक्स निफ्टी की ओपनिंग लाल निशान में हुई है। बीएसई सेंसेक्स 72,220 पर खुला है जबकि निफ्टी 21,935 पर ओपन हो पाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान स्थित कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह एक्शन राजस्थान के पाल स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लिया गया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। बैंक अपने मिनिमम डे बिल कैलकुलेशन के नियम में 15 मार्च से बदलाव करने जा रहा है। मार्च 2024 में देश भर के अलग अलग राज्यों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहने वाले हैं। इसमें साप्ताहिक शनिवार और रविवार की छुट्टियों के अलावा महाशिवरात्रि, होली और गुड फ्राइडे के कारण कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। बीसीसीआई ने इस साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है जिसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है। इसकी आशंका तो जताई जा रही थी लेकिन भारतीय बोर्ड ने जिस तरह प्रेस रिलीज में दोनों का नाम देकर इसका जिक्र किया। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैंस के लिए खुशखबरी है। दीपिका रणवीर के घर ढेर सारी खुशियां आने वाली है। दीपिका मां बनने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 और विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक दोनों ही 23 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। दोनों ही फिल्में एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है लेकिन रिलीज के 6 दिन यामी और विद्युत की फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट देखी गई है। हर साल की तरह इस साल भी कई बिग बजट फिल्म रिलीज होने वाली है। बीता साल बॉलीवुड के लिए धमाकेदार रहा। ऐसे में इस साल शाहरुख खान नहीं बल्कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, कार्तिक आर्यन समेत कई सितारों से उम्मीद है जिनकी फिल्में इस साल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर सकती है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।